खबर नैनीताल से, जहां समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र पंगुट में निर्माणधीन सड़क पंगुट देचौरी मोटर मार्ग पर एक व्यक्ति खाई में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 सालों से पंगुट देचौरी मोटर मार्ग निर्माण का कार्य कर रहा है, जिससे मलबा नीचे फेंका जाता रहता है, जिसके चलते गांव को जाने वाला पैदल मार्ग अवरुद्ध हो गया है। पैदल मार्ग अवरुद्ध होने से ग्रामीणों को अपने उत्पादों को मंडी तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं स्कूली बच्चे और बुजुर्गों को भी आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क निर्माण के दौरान हो रही अव्यवस्थाओं को देखते हुए ग्रामीणों के लिए पैदल मार्ग बनवाया जाए। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। सर, समस्या तो कही है ना, समस्याएं तो आज इतनी ज्यादा हो गई है कि हम ग्रामीणों के लिए कोई मार्ग ही नहीं रह गया है। सड़क कटिंग जब हो रही तो नीचे मलबा फेंका जा रहा है सड़क कटिंग से, और पूरा मार्ग बंद हो गया है, जिसमें कि ग्रामीण अपने उत्पादित सामान को सड़क तक भी नहीं ले जा पा रहे हैं, और ना ही स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और बड़ी समस्या आज ग्रामीणों का आ रही है, कभी भी कोई भी अनहोनी वहाँ पर हो सकती है। और इसके साथ ही साथ जो ग्रामीण है अपने उत्पादित जो उपज है उसको भी सिर पे रख करके सड़क तक ऐसे ही मलुए में ऐसे ही ले जा रहे हैं ऊपर तक, जिससे कि ऊपर से पत्थर इत्यादि आ रहे हैं, मलुआ आ रहा है, जिससे कि कोई भी कैजुअल्टी कभी हो सकती है। सबसे पहली मांग तो यह है कि जो पंगुट देचौरी मोटर मार्ग करीबन 5 साल से इसमें काम चला है, पहले तो शीघ्र इसमें काम किया जाए, जिससे कि सड़क का जल्दी से जल्दी हमारे ग्राम सोनखमारी तक निर्माण कार्य हो सके। और इसके साथ ही साथ जो अभी अव्यवस्था हो रही है उसके लिए तुरंत हमारे लिए एक मार्ग का निर्माण किया जाए, जिसमें कि ग्रामीणों का एक पैदल मार्ग जो बन सके।